नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के मल्टी बैगर रिटर्न के बारे में। कैसे आरती इंडस्ट्रीज ने अब एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। हमारा जो मेन पर्पस होता है आपको स्टॉक मार्केट के जो मैजिक रिटर्न है उसके बारे में बताना, कौन कौन सी कंपनियां, किस सेक्टर की कौन सी कंपनियां जो है मैजिक रिटर्न दिया है, मतलब एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, उसको समझाना किस प्रकार मल्टी बैगर रिटर्न देता है, ताकि आप में अवेयरनेस बढ़े कि हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में क्यों करते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। हम कंपनियों के जो मल्टी बैगर रिटर्न का वीडियो बनाते हैं, इसका पर्पस होता है आपको मोटिवेट करना इन्वेस्टमेंट के पर्पस से उन कंपनियों में जिसमें आगे ग्रोथ हो, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो। तो सारे एनालिसिस करने के बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, आप हमारे चैनल पर जाकर के बहुत सारे वीडियोज हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जिसे देख करके आप म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। दोस्तों हमने बताया है, यहां पर देख सकते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड जिसमें गिल्ट फंड होते हैं जो कि 15% तक का रिटर्न देता है। तो समझ सकते हैं आप FD करेंगे तो उससे अच्छा है कि आप डेप्ट म्यूचुअल फंड जिसमें मॉडरेट रिस्क रहता है, ना तो हाई रिस्क रहता है, मॉडरेट रिस्क रहता है और रिटर्न भी आपको मॉडरेट 15% तक मिलता है। स्टॉक मार्केट में तो लाखों परसेंट तक का रिटर्न भी मिल सकता है और आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी लॉस हो सकता है। इस वीडियो में हम आरती इंडस्ट्रीज के मल्टी बैगर रिटर्न के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है आपको हेबेल्स इंडिया के बारे में बताया था, उससे पहले हमने मदरसन सोमी, विप्रो, इन्फोसिस, इन सब के बारे में बताया है। तो जाकर के उन वीडियोज को देखिए या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम आरती इंडस्ट्रीज के जो भी कॉरपोरेट एक्शन है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है और जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी हमने लिख लिया है। तो सारे चीज़ को हमने यहाँ लिख लिया है। अब आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करके बताते हैं कि आपको किस प्रकार इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें कि जो हमने यहाँ पर रेफरेंस लिया है वो 92 को लिया है, जब इसका IPO लिस्ट हुआ था एट प्रीमियम ऑफ 36 रुपीज़ के प्रीमियम वैल्यू पर ये लिस्ट हुआ था। तो 36 रुपीज़ पे ही हमने इसको लिया है। ये प्रीमियम वैल्यू था, इससे कम प्राइस में भी आप खरीद सकते थे। अगर कम प्राइस में आप खरीदे होते तो और आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलता, क्योंकि ये प्रीमियम वैल्यू था, इससे हो सकता है कि प्राइस नीचे भी गया हो और ऊपर भी गया हो। तो अभी तो 92 का चार्ट उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो IPO का प्राइस था वो हमने नेट से सर्च किया, 36 रुपीज़ के प्रीमियम पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि 92 में 36 रुपीज़ के दर से अगर 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट किए होते तो कुल 555 शेयर होता। अगर आप 1992 में 20,000 रुपये आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किए होते तो 36 रुपीज़ के प्राइस के रेट से आपको कुल 555 शेयर खरीद पाते। तो उसके बाद आते हैं 1994 में आरती इंडस्ट्रीज बोनस लेकर आया अपने शेयर होल्डर के लिए, 1:1 का बोनस, मतलब एक शेयर पर एक शेयर फ्री। तो आपके पास कुल कितना शेयर था, 555, तो 555 शेयर आपको बिल्कुल फ्री में दिया आरती इंडस्ट्रीज ने। तो हो गया कुल शेयर कितना, 555 आपके पास था, 555 फ्री में मिला, तो हो गया 1,110 शेयर। फिर 2005 ईस्वी में 2:1 का बोनस लेकर आरती इंडस्ट्रीज आया, 2:1 बोनस मतलब एक शेयर पे दो शेयर फ्री, तो आपके पास कुल शेयर थे 1,110, तो इसका दो गुना मतलब 2,220 शेयर, मतलब 2,220 शेयर बिल्कुल फ्री मिला। तो 2,220 शेयर प्लस कर दीजिए 1,110 शेयर, हो गया कुल 3,330 शेयर। तो इतना शेयर कुल हो गया। अब फिर यहाँ से स्टॉक स्प्लिट होता है 2006 में फेस वैल्यू 5 में, पहले से फेस वैल्यू कितना था 10, यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड। तो 2006 में जब स्टॉक स्प्लिट हुआ मतलब फेस वैल्यू 5 में, पहले से फेस वैल्यू 10 था, तो आपके पास कुल शेयर हो गया 6,660। और फिर 2019 में आरती इंडस्ट्री बोनस लेकर आया 1:1 का, तो आपके पास कुल शेयर हो गया वो एक शेयर पर एक शेयर फ्री, मतलब 6,660 शेयर पर इतना शेयर फ्री। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कुल हो गया 13,320 शेयर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले
बता दें आरती इंडस्ट्रीज अभी भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो समझ सकते हैं ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। जैसे मार्केट में बहुत ही जोरदार गिरावट आती है कभी भी, तो इस शेयर में भी भारी गिरावट आपको देखने मिलेगा। मतलब इसका जो शेयर का प्राइस है बहुत ही अफेक्टेड होता है, जो हमारा न्यूज होता है आपको इसका इस बिजनेस में कोई इफेक्ट हो उसके कारण, क्योंकि एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो इसलिए आपको हमने बता दिया। क्योंकि अब एक स्मॉल कैप स्टॉक देख सकते हैं आपको करोड़पति बना सकता है, तो इसमें आगे भी पोटेंशियल है कि ये आपको ऐसा रिटर्न दे सकता है। आरती इंडस्ट्रीज में भी ऐसा हो सकता है कि ये आगे भी आपको ऐसा रिटर्न दे सकता है। इसकी कोई गारंटी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी के परफॉर्मेंस पे, इसके बिजनेस के ग्रोथ पे निर्भर करता है। ये स्पेशलिटी केमिकल, जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उस सेगमेंट में है। हम कंपनी के बिजनेस को भी आपको दिखाएंगे, कंपनी के वेबसाइट पर लेकर चलेंगे आपको लास्ट में, और वहां पर ये स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स दोनों में बिजनेस करता है, तो जिसमें आगे बहुत ही ग्रोथ की संभावना है, क्योंकि अभी जो पूरा वर्ल्ड है वो चाइना से इंडिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसके बिजनेस को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कुल शेयर हो गया आपके पास, मतलब अभी जो आपके पास शेयर होगा 13,320 शेयर, अगर 1992 में 555 शेयर खरीदे होते तो 13,320 शेयर हो गया। तो अब टोटल रिटर्न जो होगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, मतलब 20,000 का जो इन्वेस्टमेंट था 36 रुपीज़ के रेट से, तो 92 में, तो अभी आपका रिटर्न हो गया 13,320 गुना 935। तो अभी करेंट प्राइस है आज का 935 रुपया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 1,24,54,200, मतलब 1,24,00,000। वहीं हम बात करें मई 2020 का, जिस समय इसका प्राइस हाईएस्ट था 1,100 से ऊपर था, तो उस समय इसका जो रिटर्न होता 1,50,77,440। मतलब देख सकते हैं 20,000 का अमाउंट आपका 1.5 करोड़ से भी अधिक हो गया, मतलब 1.5 करोड़ से भी अधिक, 1,58,00,000। ये तो सिर्फ रिटर्न हुआ, जो कि आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा, लेकिन आपके पास और भी चीज़ें होती है जो कि आपके 20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलती है, वो है डिविडेंड। दोस्तों ये हमने बात किया सिर्फ 20,000 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद, आपने इसमें कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट आपको बोलेंगे कि आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उसको भी रीइन्वेस्ट करना है, लेकिन हम सलाह देंगे कि आपको डिविडेंड दूसरी वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जिसमें आपको ग्रोथ दिखता हो। मतलब आपका हर जो है, मतलब अमाउंट, सारा का सारा अमाउंट एक ही टोकरी में, एक ही बास्केट में सारे इग्स नहीं होने चाहिए। तो इससे जो आप अर्न करेंगे डिविडेंड, उसे हो सकता है आप जो आधे डिविडेंड को आधे खर्च के रूप में रख लें, लेकिन आधे डिविडेंड को दूसरे जो कंपनियां लगती है कि आगे एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो अभी जो आपके पास है हर साल 60,000 रुपीज़ डिविडेंड के रूप में मिलेगा इस स्मॉल कैप कंपनी के द्वारा। समझ सकते हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो आपको 60,000 रुपया पर महीना डिविडेंड के रूप में पे करेगी। तो ये होता है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। जब भी आप गोल बनाएं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो वैसी कंपनियों में जो कि आगे 20-30 साल तक अच्छे मार्केट में परफॉर्म कर सकती है, और उसमें इन्वेस्ट करें, साथ साथ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टेड हैं, तब आपको जो बोनस है, स्प्लिट है, मतलब जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके मैजिक देखने मिलेंगे, साथ साथ डिविडेंड भी आपको शानदार रूप से देखने मिलेंगे। देख सकते हैं डिविडेंड कितना है, 60,000 पर ईयर का। तो अब हम चलते हैं कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, आगे कंपनी के चार्ट देख लेते हैं, क्या आगे भी कंपनी ऐसा ही रिटर्न दे सकती है, क्योंकि एक स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, निश्चित है कि आपको आगे भी रिटर्न दे भी सकती है, नहीं भी, इसका कोई निश्चित संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी आगे भी आपको एक बेहतर रिटर्न दे। तो यहाँ आ चुके हैं आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट पे, आप देख लीजिए आज का जो क्लोजिंग प्राइस है आरती इंडस्ट्रीज का 935 रुपये, जो कि हमने आपको इसके रिटर्न को कैलकुलेट करते समय भी यूज किया था। उसके बाद 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज में भारी गिरावट आया था, जब पैंडमिक सिचुएशन कारण पूरे स्टॉक मार्केट में गिरावट आया था, वहाँ से ये स्टॉक देख सकते हैं जो है काफ़ी तेज़ी से रिकवर किया। तो यही होते हैं एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की जो साइन है, मतलब जो पहचान है कि वो उसमें गिरावट तो आएगा लेकिन वो बहुत ही तेजी से अपने प्राइस को फिर से रिकवर कर लेती है।
और उसके बाद 5 ईयर्स का चार्ट देखेंगे तो ये छोटे मोटे गिरावट आपको दिखेगा भी नहीं आपको, और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो चार्ट पे ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, देख सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप नहीं कहिए, देख सकते हैं। अगर 2014 में भी आप इन्वेस्ट किए रहते तो देख सकते हैं काफ़ी रिटर्न आप प्राप्त करते 2249% का मात्र, देख सकते हैं। अगर 6 साल पहले भी आप इन्वेस्ट किए रहते तो आपको काफ़ी रिटर्न प्राप्त होता इस पे 6-7 साल पहले। तो ये है हमारा चार्ट, यहाँ पर 52 वीक हाई देखेंगे तो 1192 रुपया है इसका, लो देखेंगे तो 668 रुपया है। तो ये था आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट। तो आप जो है चार्ट जरूर देखें, लॉन्ग टर्म चार्ट किसी भी कंपनी का इन्वेस्ट करने पहले उसका बिजनेस ग्रोथ अवश्य देखें, हर चीज़ आपको देखना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अब हम बात कर लेते हैं इसके बैलेंस शीट का और इसके बिजनेस। तो ये है आरती इंडस्ट्री, देख सकते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर मैंने इसे ओपन किया है। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स, कंपनी का सेल्स 1076 करोड़। तो देख सकते हैं सेल्स काफ़ी कम है, मार्च क्वार्टर में और भी सेल्स में डिक्रीज हुआ है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं 1000 करोड़ का जिसका सेल्स है वो स्मॉल कैप कंपनी ही है, क्योंकि तो सेल्स भी कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम है, हर चीज़ कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स इतना हो गया, आप प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देख लीजिए 110 करोड़, जो कि काफ़ी गिरावट आया है, देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में, यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आया है, क्योंकि हर कंपनी इफेक्टेड हुई है इस पैंडमिक सिचुएशन के कारण। तो आरती इंडस्ट्री ये तो एक MNC कंपनी है, US में भी है इसका ब्रांच, इंडिया में भी है, तो समझ सकते हैं ये एक MNC कंपनी है, तो इस पर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है पैंडमिक सिचुएशन का। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आरती इंडस्ट्री बैलेंस शीट रिजर्व 2814 करोड़ है, तो रिजर्व कंपनी के पास ठीक ठाक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का, नीचे चलते हैं तो डेप्ट कंपनी के पास है 1789 करोड़, कंपनी के पास डेप्ट भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू के हिसाब से। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस 233 करोड़ है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद नीचे चलते हैं बुक वैल्यू कंपनी का, देख सकते हैं तो यहाँ पर बुक वैल्यू देख सकते हैं पिछले साल मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर के तुलना में काफ़ी डिक्रीज हुआ है। अब हम कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं, ये हम कंपनी के वेबसाइट पर आए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं केमिकल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में API जो कि बहुत ज़्यादा हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं इंटरमीडिएट्स, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे डेरिवेटिव क्रैम्प्स। उसके बाद केमिकल प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो केमिकल प्रोडक्ट में देख सकते हैं केमिस्ट्री, एंड यूज, वैल्यू चेन, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोडक्ट है हमारा डाइक्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो टोलेंस सल्फर, उसके बाद अदर इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी है, केमिकल सेक्टर में भी है, तो समझ सकते हैं ये कंपनी के बिजनेस है जिसमें आगे भी ग्रोथ है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो चाइना पर से मतलब API इंपोर्ट कर दी थी, अब वो कोशिश करेगा कि वो कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चर करें और भारत से वो इम्पोर्ट करें। बहुत सारी कंपनियाँ चाइना से वियतनाम और इंडिया शिफ्ट हो रही है, तो इसी तरह से आपको बिजनेस को देखना है, उसमें ग्रोथ को देखना है, और कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसको देखना है, कंपनी का स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि क्यों आपको एक इन्वेस्टर बनना चाहिए और आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के इसी तरह के सारे जो मैजिक रिटर्न देने वाले स्टॉक्स है उसके वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।